अस्सलाम वालेकुम 24 न्यूज़ के डिजिटल चैनल प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपकी मेज़बान अफशा रिजवान। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो खुद तो न्यूट्रिशियस हैं लेकिन उनका खाने पे हाथ रोकना बहुत मुश्किल है। उन्हें पाकिस्तान की पहली फीमेल फूड ब्लॉगर भी कहा जा सकता है। हमारे साथ आमना अरशद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अफशा, आप कैसी हैं? आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम कुछ मज़ेदार से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे जो कि मुझे लगता है पूरे पाकिस्तानियों के दिल में है मुझ समेत, क्योंकि मैं आपके ब्लॉग्स जो है बहुत रेगुलर बेसिस पे देखती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। सबसे पहले तो मैंने आपको एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपकी क्लास मुझे लगता था कि वीडियोस में देखे कि वो छोटी है, ठीक है, लेकिन वो रियल लाइफ में नॉर्मल है, वो ठीक है। यही बात है कि मुझे सारे कहते हैं कि भाई आपकी ग्लासेस आपके फेस पे सूट नहीं करती, लेकिन मैंने बहुत ढूंढ के अपनी ग्लासेस ली हुई हैं कि भाई यही मेरे फेस पे सूट करती है, इसके अलावा कोई फ्रेम मेरे फेस पे सूट नहीं करता। हाँ, वो अच्छी लगती है, वो ठीक है, आप यही रखिएगा। चले डाले। अच्छा, तो फिर आप कैसी हैं आज? ठीक है, ठीक ठाक, बिल्कुल। आप सुनाए, खाना पीना खाया हुआ है? पानी नहीं पी लिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है एज अ फूड ब्लॉगर, क्या आप पूरा रेस्टोरेंट जाती हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाती हैं, वहाँ जाके पूरा मेन्यू ऑर्डर कर लेती हैं? ये इतनी ज़्यादा जो खुश दिली है ये कैसे आती है? या रेस्टोरेंट ओनर का ये इसमें कोई कमाल होता है, ये कैसे होता है? यार जब तक सारी चीज़ें मंगाओ ना समझ नहीं ना आती जायके की, सारी चीज़ें मंगा के खाओ ना तो कैसे समझ आती है। तो ये जेब पे कैसे कंट्रोल करती हैं फिर आप? ये मैं पाकिस्तानी जानना चाहती हूं। समझ लें, पूरा महीना अपने जेब पे कंट्रोल करके फाके काट के तो एक दफ़े इंटायर मेन्यू मंगवा लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है उसको पूरा हफ्ता खाती हूँ मेरे लग के। बस यही समझ लें। क्योंकि पाकिस्तानी ये जानना चाहते हैं कि आजकल जो फूड ब्लॉगिंग का ट्रेंड पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको देखते हुए बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी शुरू किया है। यही तो मेरा मकसद था कि भाई और भी लड़कियां काम करें ऐसे ही। तो कितना मुश्किल था स्टार्टिंग में, क्योंकि व्हीकल औरत के पास आमतौर पर नहीं होती है, घर में औरत के पास व्हीकल नहीं होती, तो कितना मुश्किल था स्टार्टिंग में जाना और जाके फूड ब्लॉगिंग करना? हैरेसमेंट का सामना तो नहीं होता था या किसी और चीज़ का जो है आपको परेशानी होती हो? हैरेसमेंट की बात करूँ ना तो मुझे कोई हैरेस करने की कोशिश करता तो मैं उसको अपोजिट हैरेस कर देती, तो बख्शिश मेरी तरफ से नहीं मिलती। बाकी रही बात व्हीकल की, तो ये था कि मैंने अपने स्कूल के टाइम से घर में बाइक मांगनी स्टार्ट की कि मुझे चाहिए, और जब मेरी छोटी बहन कॉलेज में गई तो जाके हमें बाइक मिली, तो फिर हम लोग तब निकले हैं। और 3 साल विदाउट एनी रिस्पॉन्स मैंने व्लॉगिंग की है, तो अब आके अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्या समझ लें कि व्लॉग्स लोग देखना शुरू कर दिया, उन्होंने उनको पसंद आते हैं। तो आपने व्लॉगिंग जब स्टार्ट की थी तो कैसे की थी, आपने कौन से फूड से स्टार्ट की थी व्लॉगिंग? मैंने तो रेस्टोरेंट व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, और लोगों को ना मिनी व्लॉगिंग बड़ी पसंद आती है, आजकल लोगों की डेली लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मसले चल रहे हैं, तो वो मैंने डेली व्लॉगिंग को और फूड व्लॉगिंग को मिक्स करके ना तो एक मिनी व्लॉग्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, तो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे थे। बेसिकली रेस्टोरेंट्स में जाती थी या कभी भी फ्रेंड्स के साथ कहीं पर भी जा रही हूँ तो वो वहाँ से स्टार्ट किया था। तो फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट था शुरू में? फैमिली ने मुझे ऐसे छोड़ा हुआ था, जो मर्जी करो बस कुछ कर लो अपनी जिंदगी में, तो फिर मैंने अब आके कितने तंग आ गए थे। हाँ, बस यही हिसाब था कि भाई कर लो। वैसे तो उनसे मेरी उनको मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी इस चीज की कि मैं कुछ कर लूंगी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठी। चलिए जी, बात है, माशाल्लाह आपने बहुत कुछ माशाल्लाह अचीव कर लिया, और सिर्फ एक फूड ब्लॉगिंग से आपने उसको बहुत पॉजिटिव लिया है, वरना इतना पॉजिटिव लोग लेते नहीं है। तो जब शुरू में आपने स्टार्ट किया था तो कितना इसको जो है आप समझती थी कितना सक्सेसफुल हो पाएगा? कभी दिल किया कि इसको छोड़ दूँ, बस कर दूँ? एक दिन में कितनी वीडियो शूट करती थी? मैं ऑलमोस्ट एक दिन में 3 से 4 वीडियो शूट करती थी, और छोड़ने का तो मैंने कभी भी नहीं सोचा, इवन 0 रिस्पॉन्स के साथ भी कभी नहीं सोचा कि यार ये तो करना है। अच्छा, एक बड़ा ही पर्सनल सवाल है, लेकिन आप मुझे पता है आप माइंड नहीं करेंगे। आप माइंड नहीं करेंगे, तो आप किसने अपनी अपने शौक को पूरा करने के लिए फूड ब्लॉगिंग शुरू की थी या ऐसे शुरू कर ली थी? खाने पीने के शौक को पूरा करने के लिए पूरी की थी। यहाँ पे मैं यही कहती हूँ कि भाई मैं यार मैं व्लॉगिंग छोड़ सकती हूँ, लेकिन इस तरह खाना खाना नहीं छोड़ सकती। मुझे न्यू चीज़ें ट्राई करने का इतना शौक है, चाहे वो छोटा से छोटा स्टॉल हो चाहे बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट हो, मैंने जाके उसको एक्सप्लोर जरूर करना। तो इसका घर के खाने पर कितना इफेक्ट हुआ? घर का खाने का दिल करता है या अब बस बाहर का ही खाना? पहले मुझे आदत हो गई थी कि मेरा घर का खाना खा के पेट खराब हो जाता था, लेकिन अब मैं तरस गई हूँ घर के खाने को। मैं खाने की कोशिश भी करूं तो मुझे बाहर जाना पड़ता है शूट करने के लिए। अच्छा, आपको जो है एज अ बिगिनर, अब बहुत सारे लोग जो है मुझे पता है डीएम भी करते होंगे और पूछते भी होंगे कि हम फूड ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें, तो उसके हवाले से अगर उन्हें कुछ टिप्स दे दें। अगर ये बात है कि ना हम जो भी सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं ना, हमारा दिल करता है हम वही बन जाएं, चाहे जो भी चीज़ की व्लॉगिंग आपके ट्रेंड में आई होती है हम लोग कहते हैं हम उसी की वही करने की कोशिश करें, चाहे आपको खाने का शौक नहीं है, चाहे आपके टेस्ट बड्स डेवलप नहीं है, चाहे आपको खाने की समझ नहीं है। तो पहला मेरा यही मशवरा है कि चीज़ को देख के इंस्पायर होने से अच्छा है कि पहले आप लोग ढूंढो कि आप लोग क्या करना चाहते हो, और अगर आप वाकई फूड व्लॉगिंग करना चाहते हो तो फिर मेरा यही मशवरा है कि जिस भी शहर में हो, चाहे छोटा शहर है चाहे बड़ा शहर है, आप लोग स्ट्रीट फूड से स्टार्ट करो, क्योंकि लोग स्ट्रीट फूड देखने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। हम शुरू करें, मतलब अगर
कोई लड़की शुरू कर दिया तो उसके लिए अगर आप कोई टिप्स देना चाहें, क्योंकि लड़कियों के लिए अलग होता है ना हर चीज, लड़कियों के लिए हमारी सोसाइटी में अलग है, लड़कियों ने अगर बाहर भी जाना तो वो अलग है, उन्होंने पहले फादर से या भाई से पूछना है कि आप मेरे साथ चलेंगे बाहर के नहीं चलेंगे, तो उनके लिए कितना जरूरी है, आप क्या कहेंगे? उन्हें पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाना चाहिए या उन्हें जो है अपनी व्हीकल का इंतजाम कर लेना चाहिए पहले? ये सारी बातें ना मैंने भी स्टार्ट करते हुए सोची थी, लेकिन मैंने उन पर कोई काम नहीं किया और मैंने स्टार्ट कर दिया। मुझे नहीं पता था मेरे पास फाइनेंसिस कैसे आएंगे, मुझे नहीं पता था मैं बाहर कैसे जाऊंगी, लेकिन मैंने बगैर सोचे समझे सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। और लड़कियों को ज्यादातर मसला होता है कि वो अपना फेस नहीं दिखा पाती बेसिकली ना व्लॉग्स करते हुए, तो मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा जो एक्सक्यूजेस किए बगैर भी व्लॉगिंग कर रही है, फेस दिखाए बगैर भी व्लॉगिंग कर रही है और काफी सक्सेसफुल है इसमें। अच्छा, इंटरनेशनल फूड व्लॉगिंग अगर करेंगी तो किस मुल्क से शुरू करेंगी? मुझे इंडिया में जाने का बड़ा शौक है, इवन मेरे काफी फॉलोअर्स भी हैं यूट्यूब पे, मुझे ना कहते हैं कि आप इंडिया आए इंडिया का चक्कर। इवन रिसेंटली मैंने एक वीडियो लगाई थी तो वो ना पिज्जा 1000 रुपीज का था, और मिनिमम लार्ज पिज्जा पाकिस्तान में अगर 1000 का मिल जाए तो बड़ी बात है। वो कह रहे थे हम 1000 में 10 पिज्जाज ले आते हैं लार्ज। मैंने कहा यार इतना मतलब कुछ भी नहीं, मेरी जेब पे जरा भी फर्क नहीं पड़ना अगर मैं इंडिया चली गई तो। नहीं, इंडिया की मैं भी देख रही होती हूँ वो वीडियो, इतने मजे की होती है, वो 100 रुपए में इतनी सारी चीजें लेके आ जाते हैं, सब नहीं आती। वो कहते हैं हमारा 100 रुपए अभी खत्म हो रहा। ईटिंग फॉर 24 आवर्स इन 50 रुपीज, कैसे कैसे भाई? अच्छा, कभी ऐसा दिल में आया है कि वो जो आजकल सारे व्लॉगर्स कहते हैं चैलेंज करते हैं अपने आप को कि हम पूरा दिन जो है एक ही कलर का खाएंगे या एक ही इतने रुपए में सिर्फ जो है पूरा दिन गुजारेंगे? इतने रुपए वाला तो आपने किया, लेकिन एक ही कलर का कभी किया है कि एक ही कलर में हम जो है खाएंगे? अभी तक किया नहीं है, मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मेरे फ्यूचर में प्लान है, क्योंकि मेरी ऑडियंस को ये सब चीजें देखनी पसंद है तो मैं जरूर करूँगी। क्योंकि मुख्तलिफ, अच्छा, रोज मुख्तलिफ कॉन्टेंट सोचना कैसा कितना मुश्किल होता है? आप जब आपके अंदर क्रिएटिविटी होती है ना तो आप सोचने लग जाते हो, जब आपके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं होता, जॉब का प्रेशर घर का प्रेशर, तो फिर आपके जो क्रिएटिव माइंड होता है ना, मुझे ये बड़ा इस बात की बड़ी तकलीफ है कि हमारे यंगस्टर्स की ना जो क्रिएटिव माइंड्स हैं उनको इस तरह ख़त्म किया जा रहा है। तो ये है कि मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं हर वक्त आइडिया सोच रही हूँ, मतलब आप सोचेंगे एक दिन में मेरे पास 10 आइडियाज़ आते हैं और रोज़ के 10 तो महीने के ऑलमोस्ट 300 आइडियाज़ बनते हैं, उनमें से भी मैं 30 पे भी अभी काम नहीं कर पाती, तो आप सोच लें कि मेरा कितना क्रिएटिव माइंड है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक सीरियस सवाल करेंगे, बॉडी शेमिंग के हवाले से क्या कहेंगी, कितनी ज्यादा तंकीद का सामना करना पड़ता है? मैं ना बचपन से मोटी हूँ, मैं बचपन में 3 रोटियां ऑन एवरेज खाती होती थी, तो मुझे ना लोग बचपन से ही बुली करते आने, तो अब आके मेरे कान आदी हो गए इस बात के, तो मैं समझ लें ढीठ हो गई हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे आके कोई कहता है मोटा, इवन कोई मुझे आके कहेगा ना कि तुम पतली हो, तब मैं हैरान होती हूँ, है मैं पतली हूँ? अच्छा, तो मतलब ये बचपन से है तो अब आप भीड़ हो चुके हैं, इसमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ बैठा बंदा कुछ भी कह रहा हो तो आप मतलब हम बंदों को भी सारी लड़कियों को ढीठ हो जाना चाहिए ना, हर हवाले से, स्किन कलर के हवाले से भी, और मुझे लगता है बॉडी शेमिंग के हवाले से भी हमें ढीठ होके ही चलना चाहिए, सिर्फ लड़कियों को नहीं बाकी लड़कों को भी, लड़कों को भी इतना कुछ झेलने को मिलता है तो। अच्छा, कोई खाना आपने खाया हो, किसी रेस्टोरेंट में गई हो और कोई खाना खाया हो बहुत गंदा हो लेकिन फिर भी उसकी तारीफ करनी पड़ी हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं वो रिव्यू अपलोड ही नहीं करती, अगर कोई पेड प्रमोशन हो तो मैं उनसे पैसे नहीं लेती, मैं वो अपलोड ही नहीं करती। अच्छा, तो पहले आप टेस्ट करती हैं? क्या मतलब? मतलब अगर मैंने आपको पेड प्रमोशन के लिए बुलाया तो आप पहले मेरा खाना टेस्ट करेंगे और वो नहीं जेन्युइनली अच्छा तो आप उसको रिव्यू नहीं करेंगे, बेशक वो आपको पे भी कर रहे हैं? हाँ नहीं, मैं ऑब्वियसली वीडियो के बाद ही पेमेंट लेती हूँ, तो मैं उनको कहती हूँ कि ये पोस्ट ही नहीं होगी। अगर कहीं में गुंजाइश बन रही हो ना कि हाँ यार 4 चीजों में से 3 अच्छी हैं 1 बुरी है, तो मैं उनको एक पे ना मशवरा दे देती हूँ कि आप इसको चेंज करें इस तरह करके, तो फिर आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने झूठी तारीफें कभी की हूँ। अच्छा, मैं आपसे सवाल है कि लोग ये शिकवा करते हैं, बहुत ज्यादा शिकवा मैं सुनती हूँ आपके, आपकी पोस्ट के नीचे भी जाके और दूसरे व्लॉगर्स के नीचे भी जाके लोगों ने ये ज्यादा मैसेजेस किए हैं कि आपको जो सर्विंग दी जाती है रेस्टोरेंट की तरफ से वो उन्हें नहीं दी जाती। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि फैमिली सर्विंग है तो जब वो अपनी फैमिली को लेके जाते हैं तो वो कम पड़ जाते हैं, या उनकी फैमिली बड़ी है या वो सर्विंग सच में छोटी है? नहीं, सिर्फ सर्विंग में नहीं होता, इवन टेस्ट में भी होता है। हमारे यहाँ पे मैं इस चीज़ का बड़ा शिकवा रखती हूँ कि पाकिस्तान की जो फूड इंडस्ट्री है ना वो बहुत मुश्किलों से धक्का स्टार्ट चल रही है, इवन यहाँ पे तो इंटरनेशनल ब्रांड्स भी बहुत मुश्किल से चल रहे हैं, वो टेस्ट नहीं मिलता जो आपको आज मिला वो आपको कल नहीं मिलता। तो ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कह दूं कि भाई मेरी तरफ से, मेरी रिकमेंडेशन से कोई आ रहा है तो बताएं, और अगर उसको अच्छा नहीं मिल रहा तो मेरे पेजेस ओपन है, मेरे डीएम्स ओपन है, आप मुझे मैसेज करें, आप लोग मुझे पिक्चर्स वीडियोस भेज दें कि भाई हमें अच्छा नहीं मिला, मैं ऑब्वियसली फॉरन एक्शन लूंगी, उन्होंने मेरे से प्रमोशन करवाई है। लेकिन उसका मेरे ख्याल उसका इतना होता है कि आप जाकर उसको एक्शन भी लेंगी, आप उसके मैं बोलती हूँ, मैं मुझे इवन कोई प्रूफ भी ना भेजे ना तो मुझे कोई वर्बली भी कह दे कि भाई आता जाता कि आपके कहने पे हम गए थे अच्छा नहीं लगा, तो मैं उनको फॉरन वहाँ जाके कह देती हूँ भाई मुझे मेरे उस फॉलोअर ने आके कहा था कि आपका ये चीज़ अच्छी नहीं थी,
तो इसका मतलब अगर अगली दफा मुझे खाना अच्छा नहीं मिला तो मैंने आपको फोन कर देना और बाकी सबने भी कर देना। बेझिझक होके भेजें। मैं आपने को बता देना, आपने सामने आके मेरा खाना नहीं अच्छा। मैं आप लोगों की साइड पे, मैं रेस्टोरेंट की साइड पे नहीं हूँ। ठीक है, आपके पास आ जाना। जिस जिसको सर्विंग पूरी नहीं मिलेगी वो आमना के पास आ जाए और आमना को आके बताया। आमना जो है वो जाके रेस्टोरेंट ओनर से लड़ेंगी और आपके पैसे भी हो सके तो वापस ले देंगी आपको पैसे। क्योंकि मेरे साथ रिसेंटली हुआ, मैं साजी थी, सच्ची साजी है, उसमें गई हूँ, पूरी फैमिली को लेके गए और इतना बिल बनाया लेकिन कोई मजा नहीं आया। कौन सी सब्जी खाई थी वहां से? हमने सब फ्लेवर्स ट्राई किए उसके, तो हमें पता चला एंड में कि फ्लेवर्स बस वो जो है मसाला था उसका, चिकन एक ही होता है, सारी चीजें एक होती है, बस उसके ऊपर फ्लेवर्स का जो सॉस लगाते हैं ना वो अलग कर देते हैं। और जब वो लेके आ रहे थे बन के बेटा, हम उनसे पूछ रहे हैं ये कौन सा फ्लेवर है, उन्हें भी नहीं पता। वो अपनी समझ से कहीं जा रहा है, कह रहा है ये लेमन है, ये पेरी पेरी है, ये पता नहीं कौन सा है, मैं पूछ के बताता हूँ, खा दो भी। इस पे तो फिर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा भाई बहुत। और उसके बाद जब उसने राइस सर्व किया वो भी ठंडे थे, मतलब वो और डिसअपॉइंट। अच्छा मुझे बताएं, आपके पास फोन नहीं है तो उससे वीडियो नहीं बनती ना करे? बताए ना, नहीं घर वालों ने कह रहा था खाना खाने आया वीडियो। खाना सर्व होने से पहले स्ट्रिक्स तो सबकी बनने लग जाती हैं, तो फिर मैं प्रूफ वीडियो भी बना लेंगे। अच्छा हमारे घर में थोड़ा सा ये स्ट्रिक माहौल है कि हम खाने की बिल्कुल भी नहीं बनाते। नहीं, मेरे पापा भी डांटते हैं लेकिन मैं बहुत ढीठ हूँ। आप तो माशाल्लाह ब्लॉगर है, आपको माशाल्लाह ब्लॉगर है, आप ढीठ है। नहीं लेकिन आपको बनता है ना बनाना, मेरा बनता नहीं है। मेरे घर वालों ने कहना बस, मेरे घर वाले मुझे बोलने नहीं देते हैं। इधर तो आप डर लगी हुई है, आप अपना टाइम पूरा कर रहेंगे ऑफिस में बोलने का, आप चुप करके बैठे। अच्छा ये थोड़ा पर्सनल सवाल है लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि 24/7 फूड ब्लॉगिंग करती है, तो जो आपने कोई अपना जो आपकी डिग्री है, मतलब आप न्यूट्रिशियस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशियस ही है ना? हाँ न्यूट्रिशियस है, तो आप उसको परस्यू कर रही है कहीं पे? आपने अपना क्लिनिक ओपन किया हुआ है या सिर्फ आप फूड ब्लॉगिंग ही करती है? पिछले एक साल से तो मैंने इसको डिसकंटिन्यू किया हुआ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह मैं इसको कंटिन्यू करूँ, क्योंकि वही बात है कि अगर लोगों को ना ऐसे लगता है कि मैं ना बाहर का खाना प्रमोट कर रही हूँ, मैं ये नहीं कर रही कि मैं एक बंदा है, एक मिडिल क्लास बंदा है, वो हफ्ते में एक दफ़ा बाहर जाता है, मैं बस ये कोशिश करती हूँ कि वो जो एक दफ़ा बाहर जा रहा है तो मैं उसको सही चीज़ रिकमेंड कर दूँ या उसके पैसे हलाल हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर का खाना वो कर रही हूँ, और हाँ मैं खाती बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन बीच में मैं हेल्दी फूड भी इतना खाती हूँ कि मेरी न्यूट्रिएंट इनटेक पूरी है। तो ये है कि मतलब आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगी। चटपटे खानों का आपका असर नहीं होता? आप उसको हाँ, देख के खाती हैं, कैलोरीज गिन के खाती हैं कि इससे मुझे नहीं खाती मैं अन्य वहां हूँ, लेकिन एक होता है अनहेल्दी फूड, एक होता है हेल्दी फूड, तो मैं हेल्दी फूड भी इक्वली कंज्यूम करती हूँ। आप जो वीडियोस बनाती है पूरा दिन जो कंटेंट बनाती है उसके अंदर कोई मदद करता है? वीडियो एडिटिंग में कोई मदद करता है या बनाने में कोई मदद करता है? और बहन भाई मदद कर देते हो? आधे से ज्यादा मेरा काम मेरी छोटी बहन करती है, सब देखते हैं उसको, वो जो चप्पलों में फिरती रहती है और वो पीछे सुन रही है। और दूसरा ये कि एडिटिंग मेरी सारी खुद की होती है, मुझे किसी की एडिटिंग पसंद नहीं आती। मैंने बड़ी कोशिश किया कि किसी और से एडिटिंग करवा सकूं, लेकिन मैं सारी रात उठ के एडिटिंग कर लूंगी लेकिन खुद करनी खुद ही होती है। और ये खुद ही स्टार्ट किया था, इसके लिए कोई क्लास नहीं, कोई आपने वर्कशॉप नहीं, एडिटिंग स्टार्ट किया? अच्छा 4 साल में बंदा क्या सीख, वर्कशॉप लेके स्टार्ट में तो वही बात है कि मेरे स्किल्स बहुत बुरे थे, तो वो पुरानी वीडियोस तो देखने के काबिल भी नहीं है, लेकिन कर करके आ गया। अच्छा हो गया। अच्छा आपके दो बहुत ही प्यारे से पेट हैं, उनके बारे में बताएं। लैला और मजनू, उनके बहुत लोग फैन है, लेकिन जब भी मैं उनको पोस्ट करती हूँ ना तो वो बड़ी जल्दी से बीमार हो जाते हैं, तो मैं इस कोशिश करती हूँ कि मैं उनको कम ही पोस्ट करूँ, नहीं तो मेरा समझ लेंगे मैं मजनू को देख के लैला को देख के जीती हूँ। हाँ जी ऐसे ही है, मैं मम्मा को कहती हूँ नवासा नवासी है। उनके लिए कपड़े ले रही थी, हाँ जी वो मैंने ब्लॉग देखा और मैं कह रही हूँ ये कपड़े ले रही है, इनके तो बहन भाई नहीं है। लोग कहते हैं आप इंसान नहीं यहाँ पे कुछ कर पा रहे हैं, आप बिल्लियों के लिए जानवरों के लिए कर रही है, तो ये है कि मैं सिर्फ लैला मजनू के लिए नहीं, मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, मैं बहुत जानवरों के लिए आवाज भी उठाती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं इनको रेस्क्यू भी करूँ, तो मुझे ऐसे समझ लेंगे अल्लाह ताला ने मुझे नजर दी है सिर्फ जानवरों को। इसी पॉइंट में मैं भी सबको ये बताना चाहूंगी कि सिर्फ हमने जो घर में एक पालतू जानवर रखा होता है ना उसी की देखभाल करना कोई ऐसी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके घर के बाहर जो स्ट्रीट कैट्स होती हैं या स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आप उनके लिए भी 2-4 तरकीबें करके उन्हें भी रेस्क्यू कर सकते हैं, उन्हें भी अच्छा तरीके से ना उनकी भी लाइफ बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो जो है बेचारे बहुत अपनी एंड स्टेज पे आए होते हैं, तो 2-3 सब आपने तरकीबें करनी है और आप उन्हें भी बचा सकते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दूँ इसको, ये आप सबके लिए इसको याद रखना। मैंने भी रिसेंटली किया था, 2 टब्स होते हैं ना, टब्स पानी वाले, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के आप उसके अंदर होल बना दो एनिमल के लिए, तो वो आराम से उसमें रह सकते हैं आंधी तूफान से बच के। हाँ।
तो हाँ ये चीज भी जिंदगी है, आप उन्हें भी एक इंसान की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। मैं तो इंसानों की तरह ही ट्रीट करती हूँ, किसी और का पता नहीं। क्योंकि आपने एक लोग उन दोनों के लिए कपड़े खरीदे थे, तो मैंने कहा ये कौन है जिनके लिए आपने कपड़े खरीदे, आपके बहन भाई इतने छोटे नहीं है। फिर अगले ब्लॉग में आपने उन्हें वो ड्रेसअप किया था, तो मैंने देखा था, तो मैंने कहा ओके आपके पैर है। इवन लोग मुझे कह रहे होते हैं, इवन लैला मजनू, मैं यही कहती हूँ कि वो दोनों मियाँ बीवी हैं। तो मुझे लोग कहते हैं कि भाई मजनू के लिए मेरी बिल्ली ले लो, मजनू के लिए हमारी बिल्ली ले लो। मैं कहती हूँ नहीं, वो शादीशुदा रहने दो, मेरा बेटा शादीशुदा है। हाँ है, बेबीज हैं, दो बेबीज हैं, ओगी और ओली उनका नाम है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना अमना अशरफ के, जितने भी पूरे पाकिस्तान के, मुझे लगता है पाकिस्तानियों के दिल में जो जो सवाल थे वो सारे मैं करने में कामयाब हो गई, और अगर कुछ रह भी गए तो वो आपने नीचे जो है हमारे कमेंट में जाके बताना है कि कौन से सवाल रह गए जो आपके दिलों में और मैंने नहीं किए, वो हम फिर कभी इंशाल्लाह उन्हें बुलाएंगे दोबारा उनसे वो सवाल करेंगे। लेकिन अभी तक मुझे लगता है जितने भी क्वेश्चन थे सारे पाकिस्तानियों के दिल में, वो सारे सवाल मैंने उनसे कर लिए, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए हैं, उन्होंने बहुत मोटिवेट भी किया है बाकी सबको, और आई होप कि बाकी सब मोटिवेट हुए और उनके लिए नए ख्वाहिशात का भी इजहार करें, वो इसी तरह अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रखें और बाकी सबको भी इंस्पायर करती रहें। जी।